सुप्रभातम्। नमो नमः सर्वे छात्राः। सर्वे छात्राः उपस्थित आसन्ति। आप सभी उपस्थित हैं, प्रेजेंट है। और अद्यतने वयं सर्वे जनाः व्याकरण पुस्तिका सर्वनाम शब्द तत् वह पठिष्यामः। बच्चों, आज हम व्याकरण की छोटी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी बुक है आपके पास, तो छोटी बुक का हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल माने शब्द रूप प्रकरण। जैसे आपने एक देखा देव शब्द, नेक्स्ट देखा लता, नेक्स्ट देखा फलम, उसके बाद चौथे नंबर पर है तत्। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और वह का होता है दूर। जो दूर है तत्, एतत् जो निकट है, जो आपके पास में है, तत् जो दूर है, उसकी हम विभक्तियां देखेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी देखेंगे। उसके बाद में हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे। सबसे पहले हम तत् शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक है, तत् शब्द का अर्थ होता है वह। तो अब इसकी हिंदी कैसे आएगी? वह एक, वह दो, वह सभी। और चिन्ह क्या है? प्रथमा का चिन्ह ने, तो क्या आएगा? उसने, उन दोनों ने, उन सभी ने। ठीक है, द्वितीया का चिन्ह क्या है? को, उसको। कम का मतलब हो गया उसको, उन दो को, उन सभी को। तृतीय का चिन्ह क्या है? से के द्वारा, उनसे, उन दोनों से, उन सभी से। चौथा, चतुर्थी का चिन्ह क्या है? के लिए, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए। पंचमी का चिन्ह है से अलग हो जाना, तस्मात, उससे अलग, उन दोनों से अलग, उन सभी से अलग। षष्ठी का है काकी के रानी ने, उसका, उन दोनों का, उन सभी का। सप्तमी का चिन्ह है में पर, उसने, उन दोनों में, और उन सभी में, या फिर उन पर, उन दोनों पर, क्योंकि ये द्विवचन का बॉक्स है, उन दोनों पर, और बहुवचन का उन सभी पर। ठीक है, तो ये उसकी हिंदी हो गई। अब हम ये संस्कृत के शब्द लर्न कर ले, याद कर ले। ठीक है, याद करेंगे हम। कैसे याद करेंगे? सर्वनाम, मैंने आपको पहले ही कहा, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसमें हम देख रहे हैं तत्, तत् का मतलब होता है वह। ठीक है, अब इसे लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? स, तौ, ते, प्रथमा, बोलिए मेरे पीछे पीछे, मेरे साथ साथ, स, तौ, ते, प्रथमा, स, तौ, ते, प्रथमा, स, तौ, ते, प्रथमा, तम, तौ, तां, द्वितीया, तेन, ताभ्यां, तैः, तृतीया, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्य, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्य, पंचमी, तस्य, तयो, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु, सप्तमी। केवल इसमें सर्वनाम में सप्तमी का ही होता है, संबोधन नहीं है इसमें। ठीक है, इसे याद करने का है। स, तौ, ते, प्रथमा, तं, तौ, तां, द्वितीया, तेन, ताभ्यां, तैः, तृतीया, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्य, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्य, पंचमी, तस्य, तयोः, तेषां, षष्ठी, तस्मिन्, तयोः, तेषु, सप्तमी। ऐसे आपको याद करना है। ये हो गया आपका तत् शब्द व्याकरण का पुल्लिंग। इसी तरह से ये क्या है? पुल्लिंग। और इसी तरह से नपुंसकलिंग चलेगा। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द, जैसे तत् ते तानि। नपुंसकलिंग शब्द देखिए आपके पास न है ना, टेक्स्ट बुक है आपके पास। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक में दिखा दिया गया है ना नपुंसकलिंग। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया, उसके बाद में तृतीया से लेके सप्तमी तक पूरा पुल्लिंग का टेबल ही रिपीट हो जाएगा। तृतीया से लेके पूरा सप्तमी तक पुल्लिंग का ही। अब वो हो गया आपका केवल नपुंसकलिंग शब्द। तत् यहाँ पे आएगा, तत् यहाँ आएगा, ते यहाँ आएगा, तानि, तत् ते तानि, तत् ते तानि, और उसके बाद में तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। अब इसे याद करना है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? म, न, मई, त, स्य, न, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तौ, तौ, जैसे देवो, देवो, पिताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम, जैसे देवाभ्याम, 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 तयोः, तयोः, उसमें देवयोः, देवयोः, कितना इजी हो गया। ते, तां, तैः, तेभ्यः,
तेभ्य तेषां तेषु। ठीक है, अब आप इसका पीएच लिख लीजिए। पीएच में आपको इसको टू टाइम राइट टू टाइम राइट टू टाइम इन नोटबुक आपके नोटबुक में से दो बार लिखने हैं और वो भी याद करके। ठीक है, आप अपना पीएच है इसे टू टाइम बोल कर देखिए। इसे इसका चार्ट बनाइए, चार्ट मिरर के बगल में लगाइए, दरवाजे पर लगाइए और इसे दिन भर आप इसे रटते रहिए। तो आपको इसको याद करके मुझे इसकी वीडियो क्लिप भेजिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये देखा हमने, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इसी तरह चलते हैं। धन्यवाद, पुनः मिलाप।